निजामुद्दीन हाशमी और आप देख रहे हैं पीयू चैनल पर खबरों का बादशाह। आज हम ऐसी शख्सियत से आपको रूबरू कराते हैं जो किसी के तारुफ के मोहताज नहीं है। हमारे प्रदेश के उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष श्री इंद्रसेन यादव जी जो हमारे बीच मौजूद हैं, तो वो हमारे दर्शकों को बताएंगे कि हम किस तरह से अपने एनसीपी पार्टी को शुरुआत से हिंदू यूपी में उठाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप सबसे पहले हमारे दर्शकों को अपना और अपनी पार्टी का परिचय करवाइए। जी नमस्कार, मेरा नाम इंद्रसेन यादव है। मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का युवा का प्रदेश अध्यक्ष हूँ उत्तर प्रदेश। पार्टी हमारी लगभग जो है 19-20 साल से काम कर रही है, 1999 से काम कर रही है और हमारे भारत में जी पार्टी हमारी हर प्रदेश में काम कर रही है और 14 राज्यों में हमारे पार्टी के MLA। महाराष्ट्र में सरकार में दावेदारी है 37% की और मुंबई हुई हमारी, अब उत्तर प्रदेश की है बारी। जी नेताजी, जैसा कि देखा जा रहा है इस वक्त कोरोना महामारी एक विश्व की सबसे बड़ी महामारी है, इसके बारे में जिस तरह से हमारे यूपी गवर्नमेंट इसको किस तरह से फॉलो कर रही है, किस तरह से इस पर कार्य कर रही है, जब कहीं ना कहीं इस वक्त लाखों के तादाद में प्रतिदिन पेशेंट निकल रहे हैं, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि कितना हमारे जो यूपी गवर्नमेंट है सफल है इसके बारे में? देखिए, कोरोना महामारी को लेकर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से विफल है। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ कागज पे और जुमलेबाजी झूठों की पार्टी है, जो कि कोरोना महामारी से जो हमारा देश ही नहीं पूरा विश्व जूझ रहा था तब भारतीय जनता पार्टी ने जुमलेबाजी किया। जब मेरे भारत के लोग जो है एकदम से पूरी तरीके से खाने बगैर मर रहे थे, मजदूर रोड पे मर रहे थे, उनका कोई सहारदारी नहीं था, पूरी तरीके से कोरोना महामारी से हमारा पूरा देश जूझ रहा था, तब भारतीय जनता पार्टी सिर्फ राजनीति कर रही थी और जुमलेबाजी कर रही थी, झूठेबाजी कर रही थी। पूरी तरीके से कोरोना महामारी को लेकर भारतीय जनता पार्टी विफल रही। सर, जैसा कि देखा जा रहा है कि हमारे जो इस वक्त गवर्नमेंट में आला कमान बैठे हुए हैं और उनका ये सबसे बड़ा नारा रहा था आने में हमारे यूपी में लागू होने में कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और आज इस वक्त जो हाल चल रहे हैं हमारी जनता से किसी से छुपे नहीं और कहीं तक कि आपसे भी नहीं छुपे हैं। और कहीं ना कहीं बेटियों का बलात्कार हो रहा है, बेटियाँ नाजायज सताई जा रही हैं। अभी हाथरस की घटना ले लीजिए, बलरामपुर की घटना ले लीजिए, जिसमें कहीं ना कहीं त्राहि त्राहि मची है, जनता रोड पर तक आ गई है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी नारा देती थी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो पहले उनको यह समझना चाहिए कि जो हमारी बहन बेटियां बचेंगी तब पढ़ेंगी, तब पढ़ेंगी। और भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से हमारी आज उत्तर प्रदेश नहीं पूरे भारत में बहन बेटियां सुरक्षित नहीं, अपने आप को असुरक्षित समझ रही है और इसमें जो है पूरी तरीके से ये सब राजनीति करते हैं। आए दिन, अभी आज 3 से 4 दिन के पहले का मामला जो है आपका हाथरस का मामला, बेटी के साथ में दरिंदगी हरकत की गई, वहां पे बीजेपी भारतीय जनता पार्टी के मुखिया, उत्तर प्रदेश के मुखिया आदित्य योगी नाथ जी, मुख्यमंत्री साहब वहां पे राजनीति कर रहे हैं हाथरस के मामलों को लेकर। इसमें आदित्यनाथ योगी जी पूरी तरीके से राजनीति कर रहे हैं, वहां हाथरस की जो है शासन प्रशासन भारतीय जनता पार्टी की भाषा में बात कर रही है, आदित्यनाथ योगी जी के भाषा में बात कर रही है। जिस बेटी के साथ में दरिंदगी हरकत की जाती है, पूरा परिवार परेशान है, पूरा प्रदेश परेशान है, पूरा देश परेशान है उस मामले को लेकर, और वहां पर वहां के DM साहब ने उसके दादा को जाकर पैर से उन्होंने मारा पीड़ित परिवार को और घर में कैद कर दिया, मोबाइल उसके परिवार का छीन लिए पूरी तरीके से। वो एक तो खुद ही पीड़ित है, आज इतनी बड़ी संकट उनके ऊपर है, उसका सहारा देने के बजाय उसके ऊपर राजनीति कर रहे हैं, उसके ऊपर दबाव डाल रहे हैं। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं सरकार की कमी है, बाबा आदित्यनाथ योगी जी की कमी है, वो सरकार को संभाल नहीं पा रहे, पूरे देश को संभाल नहीं पा रहे हैं, सरकार चलाने में नाकाम है। तो मैं आदित्य योगी नाथ जी से मैं अपील भी करता हूँ और आशा भी करता हूँ कि उस बेटी के साथ में जो हुआ है उसको न्याय दिलाएंगे, पीड़ित परिवार जिस तरीके से परेशान है उसको न्याय दिलाने का काम करेंगे। मैं यही आशा करता हूँ, अगर वो न्याय नहीं दिला पाते हैं तो उन्हें इस चेयर पर रहने का कोई अधिकार नहीं है, तत्काल उन्हें अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। और वो जिस तरीके से अपने मंदिर में घंटी बजाते थे वही वस्त्र धारण करके अपने मंदिर में चले जाएं,
वो अपने परदेश के काबिल नहीं है, जब वो बहन बेटियां को हमारे सुरक्षा और सुरक्षित नहीं रख पा रहे, हमारी बहन बेटियां जो है असुरक्षित अपने आप को समझ रही है, तो उनको इस चेयर पे बैठने का कोई अधिकार नहीं है। मैं पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हूँ, मैं इसका विरोध करता हूँ। शासन प्रशासन आदित्य योगी नाथ का मुर्दाबाद का मैं नारा लगाता हूँ और इसके मैं खिलाफ हूँ। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा इनको देना अब इनको बंद कर देना चाहिए, राजनीति करना बंद कर देना चाहिए। जी 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 सर, जैसा कि देखा जा रहा है इस वक्त सारी पार्टियां रोड पर उतर रही है कहीं ना कहीं पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए, तो आपकी जो एनसीपी पार्टी है और उसके आप एक बहुत बड़े नेता हैं, जो प्रदेश अध्यक्ष यूपी के प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते आपने अब तक क्या किया है इसके लिए? देखिए, हमारी पार्टी जो है पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश में हर जिले जिले में जो है धरना प्रदर्शन हो रहा है जी। लोग इसके विरोध कर रहे हैं जी। और यहाँ तक कि जो है इनको लेटर भी भेजा गया है, कई लेटर भी भेजा गया है, और मैं बहुत जल्दी जो है लखनऊ जीपीओ पे धरना देने का काम करूंगा, क्योंकि मुझे उस परिवार पीड़ित परिवार को न्याय दिलाना है। और इसके लिए आदित्य योगी नाथ बाबा जी को मुझे एहसास दिलाना है कि आप गलत कर रहे हैं, आपकी शासन प्रशासन गलत कर रही है और पूरी तरीके से हमारा उत्तर प्रदेश एकदम जूझ रहा है, परेशान हो रहा है। तो मैं इसका भरपूर एकदम विरोध करता हूं, हमारी पार्टी विरोध करती है, मैं इसके लिए निःशब्द हूं। नेताजी, जैसा कि हमारे उत्तर प्रदेश के आप एक प्रदेश अध्यक्ष के रूप में उभर के आए हैं, नौजवान के रूप में उभर के आए हैं, तो हमारे देश में सबसे बड़ी एक समस्या चल रही है किसानों को लेकर। किसान कहीं ना कहीं हमारा एक सबसे बड़ा जो स्तंभ है वो किसान भाई का है, रोजी रोटी के लिए हमारा किसान जाना जाता है और देश में कहते हैं कि हमारा कृषि प्रधान देश है, तो इसके बारे में किसान इस वक्त हमारा बहुत परेशान है कहीं ना कहीं आवारा पशुओं को लेकर, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारा भारत देश एक कृषि प्रधान देश है और हमारे भारत को, हमारे भारत का मुख्य बिजनेस कृषि है, जो कि हमारे अन्नदाता हैं, जो अन्न देता है उसको हम सब भगवान कहते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उनके साथ में भी राजनीति कर रही है। 2014 से जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तब से हमारे किसान भाई पूरी तरीके से जूझ रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। उनको बराबर जो है खाद नहीं मिल पा रही है, उनको बराबर बीज नहीं मिल पा रहा है, महंगाई चरम पे आ रही है। किसान जो हो रहा था महंगाई चरम पे थी, किसानों को सुविधा नहीं मिल पा रही थी, उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी ने जो वादा किया था कि उनकी लागत की डेढ़ गुना की उनकी फायदा पहुंचाएंगे, उसको सब छोड़ दीजिए। आज जो है भारतीय जनता पार्टी किसानों के ऊपर इतनी बड़ी अत्याचार कर रही है कि वो किसानों की संपत्ति, जो दादा बाबाओं की बनाई हुई संपत्ति, उसको आज जो है नरेंद्र मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी के मुखिया, आज भारत के प्रधानमंत्री है, वो नाइंसाफी का काम कर रहे हैं। उनकी खेती पूंजीपतियों के हाथ में देने की तैयारी बना रहे हैं, उनकी खेती कॉन्ट्रैक्ट पे देने की तैयारी बना रहे हैं। तो आज मेरा देश इस भारतीय जनता पार्टी से परेशान हो गया, पूरा देश जल रहा है, बहन बेटियां अपने आप को असुरक्षित समझ रही हैं, किसान हमारा परेशान है, युवा हमारा एकदम से पीड़ित हो चुका है, रोडों पे भटक रहा है, ठेले लगा रहा है। जैसा कि आपने कहा, युवा हमारा ठेले लगा रहा है, रोडों पर भटक रहा है, कहीं ना कहीं जब गवर्नमेंट चुनी गई तो इन्होंने एक मुद्दा लेकर आया था कि हम किसानों अपने नौजवानों को नौकरी देंगे, उनको रोजगार देंगे। आप जो अपनी पार्टी से आए हैं तो आप किस विजन पर उतरेंगे, कि आपकी एनसीपी पार्टी किस विजन पर उतरेंगे कि नौजवान युवक को लेकर? देखिए, जो हमारा मुद्दा रहेगा, सबसे पहले तो मैं अपने बहन बेटियों को सुरक्षा देने का काम करूंगा, उनको सुरक्षित रखने का काम करूंगा, उनको पढ़ने लिखने की व्यवस्था दूंगा, शिक्षा की व्यवस्था करवाऊंगा, स्वास्थ्य की व्यवस्था करवाऊंगा, किसानों की उनकी लागत की दो गुना फायदा मैं पहुंचवाऊंगा, और जो मैं कहूंगा वो करूंगा। अगर हमारी सरकार 2022 में अगर आती है तो हम पूरी तरीके से जो है बहन बेटियों को सुरक्षा देंगे, किसी प्रकार से वो अपने आप को असुरक्षित नहीं समझेंगी, किसानों की उनकी जो है दो गुना लागत की दो गुना फायदा उनको पहुंचाएंगे। अपने युवाओं भाइयों को, जो कि मैं भी एक युवा हूं, मैं उनका दर्द समझता हूं और मैं उनको उनके आवाज को लेकर मैं यहां से लेकर दिल्ली तक आवाज उठाऊंगा। और अगर हमारी सरकार यहां उत्तर प्रदेश में आती है तो मैं युवाओं को रोजगार दूंगा, मजदूरों के लिए मैं जो है अपने यहां काफी व्यवस्था कराऊंगा कि उनको देश विदेश दूसरे प्रदेश में जाने की जरूरत ना पड़े। जी नेताजी, सारी बातें तो हो चुकी है, कहीं ना कहीं सबसे बड़ा योगदान रहता है व्यापारियों का, तो व्यापारियों के बारे में दो शब्द आप क्या? देखिए, हमारे भारत की पूंजीवाद खत्म हो चुकी है, जो कि नरेंद्र मोदी जी खा चुके हैं,
पूरे देश को बर्बाद कर चुके हैं। आज जो 125 करोड़ देशवासियों का नाम हमेशा वो लेते हैं, उनके मुंह पर रहता है मेरे 125 करोड़ देश भाइयों, वो जो है आज मेरा पूरा भारत के जो जच्चा बच्चा है जिनका जन्म प्रमाण पत्र बना है, वो पैदा जैसे होता है तुरंत उसके ऊपर जो है आज मेरा भारत का हर नागरिक के ऊपर 30 से 35 हजार रुपए की कर्जा हर जच्चे बच्चे के ऊपर है। और हमारे भारत देश का जो खजाना है, जो लॉकर है, उसको खत्म कर दिया गया, उसको विश्व बैंक में गिरवी रख दिया गया है। तो आदित्य योगी नाथ जो है, नरेंद्र मोदी जी, ये दोनों लोग मिलके पूरे प्रदेश को, देश को खा चुके हैं, पूंजीवाद खत्म हो चुका है। हमारे जो छोटे छोटे जो बिजनेसमैन भाई हैं वो पूरी तरीके से परेशान हो चुके हैं। हमारे देश में किसी तरीके से पूंजीवाद नहीं रह चुका है, GDP गिर चुका है। तो इस पे जो है आदित्यनाथ योगी से, नरेंद्र मोदी जी से मैं यही अपील करना चाहूंगा कि वो इसको बढ़ाने का काम करें, पूंजीवाद लाने का काम करें, बहन बेटियों को सुरक्षा देने का काम करें, किसानों को उनका लाभ पहुंचाने का काम करें, युवाओं को रोजगार देने का काम करें। मैं उनसे अपील भी करता हूं, निवेदन भी करता हूं कि इसको करें, और नहीं तो उनका सफाया 2022 में प्रदेश से होगा, 2024 में पूरे भारत से चले जाएंगे। जो नारा देते हैं जो है कि मैं जो झोला लेकर आया था झोला लेकर चला जाऊंगा, वही काम वो करेंगे। आदित्यनाथ योगी जी पहुंचेंगे गोरखपुर और वो झोला उठाएंगे चले जाएंगे अपने बनारस। तो इनको जो है आज पूरी तरीके से हमारा देश जल रहा है, जूझ रहा है, तो इनको ये जो है पूरी तरीके से सही काम करने का करें, और खासकर हमारे बहन बेटियों को सुरक्षा देने का काम करें। ये चलते चलते नेताजी सारी बातें तो एक ये रहेगा कि आप अभी 2022 में चुनाव है, इसके पहले आप किस तरह की रणनीति अपनाएंगे और हमारे दर्शकों को और हमारी जनता के अपने यूपी की जनता को किस तरह मोहित करेंगे? देखिए हमारे यूपी का जो समस्या है, खासकर मैं तो मुझे दर्द हो रहा है, तकलीफ हो रही है, जो इन बहन बेटियों के ऊपर अत्याचार हो रहा है आज मेरा पूरा उत्तर प्रदेश जल रहा है। इस समस्या को लेकर मैं सबसे पहले जो दरिंद्री हरकत करेंगे उनको जो है फांसी देने का काम करूंगा, दिलाने का काम करूंगा। उसके बाद मैं अपने किसान भाइयों का, युवा भाइयों का, जो हमारे मजदूर हैं, उनकी व्यवस्था मैं अपने प्रदेश में ही कराऊंगा। जब आपके पूरा देश बंद चल रहा था, पूरा देश बंद था, तो मेरे जो मजदूर थे भाई, वो जो है रोडों पे भटक रहे थे, सरकार सहायता नहीं हुई, तो मैं इन सारी व्यवस्थाओं को मैं क्लियर करूंगा और पूरी तरीके से मैं जनता हित में काम करूंगा। जो कि हमारी पार्टी आज महाराष्ट्र में कर रही है वो सबके सामने है कैसे काम कर रही है। यहाँ भजन भी है, प्रवचन भी है, आस्था का संगम भी है, ब्यूटी है, व्यंजन भी है, बच्चों का मनोरंजन भी है। देश दुनिया की ताजा तरीन खबरों से रूबरू कराता ये है अन्नपूर्णा मीडिया ग्रुप।